नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में कोरोना पीड़ितों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आज की अगर आंकड़े की बात करें तो 1,40,263 मरीजों की संख्या हो गई है और वहीं मरने वाले की संख्या 722 हो गई है। बिहार में कोरोना की अब रफ्तार शहरी क्षेत्र में भी तेज होती दिख रही है। शहरी क्षेत्रों में भी तेजी से कोरोना का बढ़ोतरी हो रहा है, इसलिए आप मास्क लगावे, हाथ धोए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उधर नीट और जेईई के परीक्षार्थी के दिक्कतों को देखते हुए स्पेशल ट्रेन के अलावे अब 4 सितंबर से इंटरसिटी एक्सप्रेस प्रारंभ करी जाएगी, ताकि लड़कों बच्चों को, छात्रों को तकलीफ का सामना न करना पड़े, आवाजाही में दिक्कत न हो। यह आदेश रेल मंत्रालय द्वारा मिल चुकी है। अब इंटरसिटी ट्रेन चालू होगी, उसके पहले 20 जोड़ी लोकल ट्रेन प्रारंभ करी गई थी। चुनाव को मद्देनजर देखते हुए जदयू ने बुधवार को अपना बहुआयामी डिजिटल प्लेटफॉर्म jdulive.com आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया। इस .com के माध्यम से वर्चुअल रैली करेंगे, छोटे बड़े कार्यक्रम की भी जानकारी दी जाएगी। इस प्रकार का जो प्रारंभ किया गया है डिजिटल बहुआयामी जो .com, इस प्रकार का किसी ने नहीं किया। और कहा जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस तरह का शुरुआत किया था। बिहार में अति पिछड़ों को उद्योग लगाने पर अतिरिक्त छूट दी जाएगी, यह भी बात कही गई है। यही नहीं, बिहार में मोटेशन के मामले में बिहार के कई सीओ और डीसीएलआर फिसड्डी साबित हुए हैं। जो सरकार ने ग्रेटिंग करने की बात कही थी, उसमें कई ऐसे सीओ हैं जिसने किसी भी प्रकार की तत्परता न दिखाई और मोटेशन के छोटे छोटे मामले, जो विवादास्पद न हो, छोटी सी गड़बड़ी हो, उसका भी निपटारा सही रूप से नहीं किया गया। यह सरकार का असफल प्रयास रहा। अब आपको मैं बताऊं कि IBPS ने क्लर्क के लिए 1558 वैकेंसी निकाली है। कोरोना काल में बैंकिंग सेक्टर ने निकाली, बैंकिंग सेक्टर से में निकाली जा रही है वैकेंसी, जिसमें 1558 पद हैं। यह बैंक यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक में खाली पड़े क्लर्क के जो सीट हैं, उन सारे सीटों को भरने के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यह भी मैं बताऊं कि 9th और 11th CBSE बोर्ड में रजिस्ट्रेशन की तिथि निकल गई है। 7 सितंबर से नवंबर तक रजिस्ट्रेशन की तिथि निकाली गई है। रालोसपा और राजद में सीट शेयरिंग के मामले को लेकर कल बैठक जगदानंद सिंह राजद अध्यक्ष के समीप हुई और आपस में तालमेल करने की बात कही जा रही है। लोजपा के अंदर भी खींचातानी जारी है। लोजपा 42 सीट पर लड़ना चाहती है, लेकिन 36 सीट देने की बात कही जा रही है। आपस में खींचातानी लोजपा और उसमें किए जाने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ मैं बताऊं आपको कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिलने रांची पहुंचे बाराचट्टी के विधायिका समता देवी, जिसने आदेश नहीं लिया था, इसलिए वहां के प्रशासन ने उसे तत्काल 14 दिन के लिए क्वारंटीन में डाल दिया। कहा जाता है कि समता देवी बिना आदेश लिए पहुंच गई थी मिलने,
इसलिए उसे क्वारंटीन करी गई। भारत सरकार ने फिर एक बार चाइना पर शिकंजा कसने के लिए चाइना के 118 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया, जिसमें पबजी जैसे बड़े ऐप कहे जा सकते हैं कि पूर्व में भी ऐप पर टिकटॉक सहित कई ऐप बंद किए गए थे, अब 118 मोबाइल ऐप को बंद कर दी गई है। भारत ने डिजिटल स्ट्राइक की तीसरी बार चाइना के ऊपर किया है। जदयू में जाने वाले जीतन राम मांझी महागठबंधन को छोड़े थे और जदयू में जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन वो घोषणा करके अब एनडीए के साथ हैं। अपनी पार्टी को जदयू में विलय जीतन राम मांझी नहीं करेंगे और एनडीए के साथ ही बनकर रहेंगे, ऐसा उन्होंने घोषणा किया। 16 लाख बाढ़ पीड़ितों के खाते में 962 करोड़ रुपया डाल दी गई है, ऐसा सरकार ने दावा किया। 16 जिले की के 1333 पंचायतों की 83.62 लाख आबादी प्रभावित हुई थी, जिसमें 16 लाख बाढ़ पीड़ितों के खाते में 962 करोड़ रुपया डाली गई, यह कही जा रही है। माध्यमिक आपको मैं यह भी बताऊं कि कटिहार जिले के फलका में दीपक कुमार नामक युवक की लाश पेड़ में लटकी पाई गई। मां ने आरोप लगाया कि गांव के ही 2-3 लड़के साथ ले गए थे और कुछ चकचुक भी हुई थी आस पड़ोस में, जिसके कारण धमकी दी गई थी कि तुम्हारे बेटे को उठा लिया जाएगा, इसलिए ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि मेरे बेटे की हत्या की गई है। दीपक कुमार के मरने के बाद मां रानी देवी ने मामला दर्ज कराया है और कहा जाता है कि वह 21 वर्षीय लड़के को मारकर लटका दी गई थी। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के पूर्ण परीक्षा का प्रवेश पत्र 3 सितंबर को जारी होगा। बिहार बोर्ड वेबसाइट www.2019in और बिहार बोर्ड ऑनलाइन गवर्नमेंट इन इससे अपलोड किया जा सकता है, अभ्यर्थी अपलोड कर सकते हैं। नंदकिशोर यादव पथ निर्माण मंत्री ने कहा है कि 165 किलोमीटर सड़कों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसके लिए राशि आवंटित कर दी गई है। खगड़िया, पटना, बक्सर सहित कई जिले इस दायरे में आएंगे जहां की सड़कें बना दी जाएगी। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें, काम हो तो ही निकलें, वरना घरों में ही रहें और घर से ही काम करने का प्रयास करें, क्योंकि कोरोना का चपेट में आने का डर है। तो दोस्तों, आप वीडियो देख रहे हैं, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर बस लिखें और साथ ही साथ लाइक करें मेरे वीडियो को और शेयर भी करें दोस्तों यारों मित्रों को। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन घंटी दबाकर अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।